हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारा किचन में प्रॉन करी। ये देख सकते हैं आप, मीडियम साइज प्रॉन, उसको प्रोसेस करके हम मैरिनेट करके रखे हैं। मैरिनेट में ओनली आप हल्दी और हल्का सा नमक डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा मत कुछ डालिए। अच्छे से धो लीजिए, उसके बाद मैरिनेट करके आधा घंटा के लिए रख दीजिए। फ्राई, प्रॉन फ्राई हम कर रहे हैं मस्टर्ड ऑयल में। मस्टर्ड ऑयल में करने से थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है। रेडी है प्रॉन करी बनाने के लिए, हम अभी प्रोसेस कर रहे हैं। लहसुन और प्याज तीनों का पेस्ट बनाया हुआ पेस्ट है, जो कि प्रॉन करी में डालेंगे हम। मस्टर्ड ऑयल तो देख ही रहे हैं आप। के लिए देखिए, कढ़ाई में तेल डाल चुके हैं हम लोग। अभी दालचीनी छोटे छोटे टुकड़े करके आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप डायरेक्टली पेस्ट डालेंगे। बस प्याज लहसुन टमाटर, टमाटर है इसमें? अच्छा, प्याज लहसुन का पेस्ट है पूरा। में हो रहा है तो आलू तो बनता ही है, तो इसलिए आलू हल्का सा फ्राई करके रख दिया गया है। प्रॉन फ्राई रेडी है ऑलरेडी। हल्का सा हल्दी हम डाले हैं, हल्दी मेन इंग्रेडिएंट है। इसके बाद मिर्चा पाउडर, कलर और हल्का तीखा रहेगी। इसके बाद ये धनिया पाउडर है। बस अभी ओके, ये मेथी वाला, मेथी डाल दिया गया है हमको। अभी इसको मिक्स करना है। हाँ, मेथी, कसूरी मेथी का स्मेल थोड़ा अलग आता है, फ्लेवर ग्रेवी का काफ़ी बढ़िया रहता है कसूरी मेथी डालने से, तो इसीलिए तड़का मारने के लिए इसको डालते हैं। अभी ग्रेवी 5 से 7 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगी। अभी टमाटर डाल रहे हैं। फ्राई किया हुआ आलू हम डाल दिए हैं, हल्का फ्राई किए थे हम लोग, सो दैट ये पानी में जब डालेंगे ग्रेवी के लिए उसी के साथ वो बॉईल हो जाएगा। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में आलू डालना ही डालना है, तो आप उसको डेविएट नहीं कर सकते हैं। लोग पसंद करते हैं खाने के लिए। प्रॉन फ्राई को हम इसमें डाल रहे हैं ग्रेवी में मसाला के साथ। अभी पानी डाल रहे हैं हल्का सा, फिर इसको मिक्स किया जा रहा है। बस अभी 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। डाल रहे हैं क्योंकि फ्राई करने का टाइम थोड़ा नमक हम उसमें डाले थे, इसलिए बहुत कम नमक डाला गया। अभी पानी डाल रहे हैं हम लोग ग्रेवी के लिए। मिक्स करिए। बस अभी थोड़ा और ज़्यादा पानी डालिए क्योंकि ग्रेवी तो चाहिए ही, हम लोग राइस के साथ खाते हैं। बस अभी 5 मिनट और, उसके बाद आपका प्रॉन करी रेडी उड़िया स्टाइल में। देखिए आप ग्रेवी कैसा मज़ेदार दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। बस अनदर 2 to 3 मिनट्स, उसके बाद आपका प्रॉन करी रेडी। अभी थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला डाला हम लोग डाले हैं क्योंकि उसमें फ्लेवर आएगा।
गरम मसाला का। इस गरम चावल